दोस्तों आज हम जानने वाले हैं आखिरकार क्यों चाइना ताइवान पर आज तक हमला नहीं कर पाया, जबकि चाइना ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है। और ये बात ही पूरी दुनिया जानती है कि चाइना के सामने ताइवान कुछ भी नहीं, क्योंकि चाइना की आर्मी ताइवान से 30 गुना ज्यादा ताकतवर है, जो कि चाइना के लिए बहुत ही आसान चीज है। तो इन सब के बावजूद आज तक चाइना ताइवान पर हमला क्यों नहीं कर पाया, और अगर चाइना ऐसा कर भी देता तो चाइना को सबसे बड़ी दिक्कत क्या होने वाली है? तो देखो यार, ताइवान के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ताइवान के अलायंस बहुत ही ताकतवर है, जिनके अंदर यूएसए, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश शामिल है, जो कि ताइवान की कभी भी कैसे भी मदद कर सकते हैं। और अगर इन सब के बावजूद चाइना ताइवान पर हमला करता भी है तो ताइवान की मदद के लिए नेटो की फोर्सेस और यूएस की फोर्सेस आ जाएगी, जिसकी वजह से चाइना को अपनी ज्यादातर आर्मी हर जगह से हटाकर ताइवान की तरफ डिप्लॉय करनी होगी। और ऐसे में भारत के लिए ये गोल्डन चांस होगा कि वो पीओके पर हमला कर पीओके वापस ले, क्योंकि चाइना दो फ्रंट पर एक साथ नहीं लड़ सकता, और चाइना के हाथ से पीओके और ताइवान दोनों ही निकल जाएंगे। वैसे क्या कभी भारत अपना पीओके वापस ले पाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।